हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही क्रिस्पी चिकन नगेट्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक चिकन मिंस जिसको मैंने फैट के साथ पिसाया था, और फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है गार्लिक। गार्लिक मैं यहाँ पर 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स ले रही हूँ। इसमें मैंने एक ग्रीन चिली ऐड की है, और फिर यहाँ पर मैंने एक सैशे हो गया था 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, और फिर इसमें मैंने ऐड कर लिया था 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और नमक। इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे ब्रेड क्रम्स। मैं यहाँ पर ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रेड स्लाइस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है ब्रेड क्रम्स के ऐड कर लिए, और फिर इसको हमने ग्राइंडर में इस तरह से एक बार पीस लेना है ताकि जो हमने इसमें सारे मसाले ऐड किए थे वो सारी चीज़ें जो है वो पिस जाए, और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर हम यहाँ पर बैटर बनाएंगे एग का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 एग। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, स्मूथ सा पेस्ट बना के हम इसको तैयार कर लेंगे। इतना स्मूथ पेस्ट हम बनाएंगे कि जो पेस्ट है वो चिकन पर अच्छी तरह से जो है कोट हो सके, इस तरह की हमने उसकी कंसिस्टेंसी रख लेनी है। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है चिकन नगेट्स का बैटर जो हमने बनाया था, उसको हमने अच्छी तरह फ्लैट कर लेना है अपने हाथ से ही। आप चाहो तो स्लिंग रैप का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फ्लैट सरफेस पे आप उसको फ्लैट कर लेना, और इस तरह से उसको जो है नगेट्स के शेप में हम उसको कट कर लेंगे नाइफ से। शार्प नाइफ आप यूज़ करेंगे और उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे हैंड्स पे, और जो है सरफेस पे हमने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और फिर हमने चिकन को फ्लैट कर लेना है, तो ये अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे नगेट्स बन के तैयार है, हम इसको कोट कर लेंगे। फर्स्ट हम डिप कर लेंगे एग बैटर में, और फिर हम उसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मार्केट जैसा इसका टेस्ट होता है, और ये बहुत क्रिस्पी नगेट्स बन के तैयार होते हैं। आप चाहो तो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो। इस तरह से हमने उसको ऑल ओवर नगेट्स कोट कर लेना है। एक एक करके हम सारे नगेट्स को कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही इजी है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाती हैं बाहर से। नगेट्स हमारे बनके तैयार है, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है, और फिर हम इसको सर्व करेंगे सॉस के साथ। सॉस हम लेंगे केचप 2 टेबल स्पून, मेयोनीज 2 टेबल स्पून, उसमें हम ऐड कर लेंगे ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, हल्का सा सॉल्ट या फिर विनेगर। इस तरह से हमने इसकी डिप बनाई थी और इसको सर्व किया था। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।